का पाद संभालना दिख रहा है। इस तरह से उद्धव जी का जो परिश्रम चला गया, थकावट चली गई, तब नंद बाबा उनसे श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। नंद बाबा के द्वारा कृष्ण कथा, तो सबसे पहले नंद बाबा कृष्ण के विषय में न पूछ करके पहले वसुदेव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए कि अनिष्ट की आशंका होती है प्रिय में, तो इससे पहले दूसरे का समाचार पूछे। जब वसुदेव जी सुखी होंगे तो कृष्ण भी जरूर सुखी होगा, तो पूछ रहे हैं। कचिदंग महाभाग सखा नह सूर नंदन आस्ते कुशल्य पत्या देर युक्त मुक्त सुहृद व्रत। हे महाभाग, हे महाभाग्यशाली उद्धव, वास्तव में तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमको कृष्ण का संग मिला है। हम तो परम अभागे हैं, इतना दिन भगवान ने संग दिया कृष्ण का और अब संग छूट गया, तो अपने को महा अभागा कह रहे हैं और उद्धव जी को महाभाग्यवान संबोधन। हे महाभाग, भाग का अर्थ होता है सौभाग्य, धन, महा सौभाग्यवान। हे महाभाग्यवान उद्धव, नह सखा, हमारे सखा मित्र, हमारे भाई सूर नंदन, सूर के पुत्र श्री वसुदेव जी कुशली आस्ते कचित, कुशल से है ना, जब कुशल से युक्त हो उसको कुशली कहें। कुशली आस्ते वसुदेव जी कुशल से है ना, अपने पुत्र आदि से युक्त है ना, इस समय तो अपने पुत्र आदि से युक्त हो गए हैं, उनके बहुत से पुत्र हैं वसुदेव जी के, पुत्र से युक्त हो गए हैं, तो एक अर्थ तो है कि श्री बलराम और पुत्रों से युक्त हो गए हैं। कृष्ण उनके पुत्र हैं इस बात को नहीं मानते हैं नंद बाबा, तो जानते ही नहीं है कृष्ण उनके पुत्र। अपत्यादि से युक्त हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार के सब लोगों से मिलता है, सभी साथ में रहते हैं, तो यह एक सुख है। तो अपने अपत्य पुत्र आदि से युक्त हैं और मुक्त सुहृदवृत्त, इस समय वे सभी विपत्तियों से मुक्त हो गए हैं, कारागृह से भी मुक्त हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। पहले वे कारागृह में बिताए थे, जेल में बिताए थे अपनी पत्नी के साथ, देवकी जी के साथ, तो अपने सुहृदों के साथ वे हैं ना और मुक्त हैं, अपने परिवार के पुत्र आदि से युक्त हैं, पत्नियां आदि भी उनके साथ में है ना। एक समय ऐसा था कि वसुदेव जी की पत्नियां भी उनसे दूर रहती थी, डर करके कि कंस उनका वध करेगा, उनके गर्भ का वध करेगा। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या किया कंस, तो इस भय से वसुदेव जी ने अक्रूर जी के द्वारा अपनी पत्नियों को इधर उधर कर दिया। तो रोहिणी जी जो बलराम जी की माँ बनी, वे नंद बाबा के घर भेजी गई थी और अन्य पत्नियों को अन्य जगह अपने संबंधियों के यहाँ भेजना पड़ा था। तो एक समय ऐसा था कि वसुदेव जी अपनी पत्नियों के साथ नहीं थे, सब बच्चे भी नहीं थे, भय से इधर उधर छिपाना पड़ा। तो जिसका बेटा दूर रह रहा हो, कहाँ खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएगा, बड़ी चिंता की बात है ना। तो अब वे अपने पुत्रों से युक्त हो गए हैं, अपने सुहृद संबंधियों से युक्त हो गए हैं, सब इधर उधर से आ गए हैं, तो इस अब वे कुशली आस्ते कुशल से हैं ना, तो
सबसे बड़ा कुशल तो यह है कि कंस मर गया यही भारी कुशल है। दिष्टया कंसो हतः पापः, पाप स्वरूप महापापी कंस मारा गया, ये बड़े खुशी की बात है। दिष्टया, दिष्टया मैंने खुशी की बात, आनंद की बात। पापः कंस हतः, कोई ये कहे कि कृष्ण ने मारा कंस को, ऐसा मान ही नहीं रहे हैं नंद बाबा, कहते नहीं नहीं, स्वयं पाप माना, अपने पाप से ही वो पापी मर गया, मारा गया। अभी भी कृष्ण के प्रति इतना सद्भाव है नंद बाबा का, कृष्ण ने नहीं मारा, तो भगवान ने उसको निमित्त बना करके और मार दिया कंस को। इतनी शुभ भावना है कि हमारा बेटा कहे को किसी की हत्या करने जाए। पापी कंस अपने पाप से ही मर गया, स्वयं पाप मना हता, तो सुने थे ही जिस दिन कंस मारा गया, तो नंद बाबा भी वहीं थे, रंगशाला में थे, देखे थे, तो साफ कृष्ण ने मारा, पटक दिया ऊंचे मंच से, उसके छाती पर कूद पड़े, तो मरा इस तरह से। लेकिन नंद बाबा मान रहे हैं कि 11 वर्ष का लड़का कूदेगा वो मरेगा, नहीं उस साला अपने पाप से मर गया, ये अर्थ है। कृष्ण के कूदने से नहीं मरा, कोई महापापी व्यक्ति होता है तो पाप ही उसको खा जाता है, वो मर गया। यही सबसे कुशल का मूल है। जब मर गया कंस तो निश्चित ही वसुदेव जी अब सुखी होंगे। साधुनाम धर्मशीला नाम जदूनाम दृष्टि यह सदा, यह कंस पापी, दुरात्मा पापी कंस, जादवों से, सज्जनों से, जादव कहीं विशेषण है, साधु नाम, वास्तव में नंद बाबा कह रहे हैं कि मथुरा के जादव बड़े सुशील हैं, सदाचारी हैं और धर्मशीला नाम, और धर्मशील हैं, उनका शील स्वभाव अत्यंत उत्तम है, धार्मिक है, और ऐसे जादवों से जो पापी कंस सदा द्वेष्टि, सब समय द्वेष करता था, केवल देवकी वसुदेव के पुत्रों की ही हत्या नहीं किया था, समस्त जादवों के धन को छीना था, उनके घर को छीना था, और वे लोग डर करके रात में जैसे तैसे देश छोड़कर भाग गए, वो दुख में दिन बिताए। तो जब भगवान मथुरा में आए और कंस का वध कर दिए और उसके स्वजनों का, इसके बाद तब सब जादव आए, भगवान उनको बुलाए मथुरा में पुनः। तो कंस सदा द्वेष करता था उनसे, क्यों द्वेष करता था, उसको पता चल गया था कि ये सारे जादव देवता हैं और आए हैं दैत्यों का विनाश करने के लिए, जादव बन बन करके सब जन्म लिए, कि उसको पता लग गया था। नारद जी ने बताया था कि जितने जादव हैं सब देवता हैं, सर्वे वही देवता प्राय, उभयोरपि भारत, ये दोनों वंश में, नंद वंश में और वसुदेव वंश में जो भी जन्म लिए हैं संबंधी हैं, ये सब देवता हैं। और देवता बैरी हैं, देवताओं से बैर करते हैं दैत्य लोग। और अपने पास विषय में भी सुना था कि मैं कौन हूँ, तो मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, अपने विषय में सुन लिया है कि मैं भी आतंकवादी के वंश में जन्मा हुआ था पहले, अपने विषय में सुना था, तो बस जादव नाम सुनते हैं उसको द्वेष था। जैसे इस समय कुछ लोगों को हिंदू शब्द से ही चिन्ह है, इस तरह की बात थी कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ और जादव भी नहीं हूँ, मैं दैत्य था पहले,
कलनेमी नाम का दैत्य था, दानव था, और हमको मारा गया था देवासुर संग्राम में समुद्र के किनारे। समुद्र मंथन के समय हमको मारा था, और किसने मारा था? विष्णु ने मारा था, और विष्णु फिर वही जदुवंश में जन्म लेने वाला है। लेने वाला क्या है? ले चुका। तो जन्म लेने से पहले बैर करता था, और जन्म लेने के बाद भी सबसे बैर किया। सदा सदा दृष्टि, सब समय द्वेष करता है। तो ऐसा कंस मर गया, बड़े सौभाग्य की बात, बहुत अच्छा हुआ मर गया। कृष्ण का समाचार पूछना है, मूल वह विषय है, लेकिन नंद बाबा इस तरह से पूछ रहे थे, मधुरे समापेत, सबसे पहले अन्य बात पूछ करके और मधुर से समाप्त करना चाहिए। कृष्ण का समाचार पूछेंगे, लेकिन पहले शंका हो रही कहीं कोई अकुशल ना हो, इसलिए पहले नहीं पूछ रहे। इसके बाद रहा नहीं गया, अब कृष्ण के विषय में पूछते हैं। वसुदेव जी कुशल से हैं ना, उनके सारे संबंधी कुशल से हैं ना, उनके पुत्र आदि सब कुशल से हैं, पत्नियां कुशल से हैं, सुहृद बंधु बांधव विवाह के द्वारा जिनसे संबंध किया गया है उनको सुहृद कहते हैं। दो तरह के संबंधी होते हैं, एक तो परिवार के अपने देह के संबंधी, और दूसरे संबंधी होते हैं जो विवाह आदि द्वारा संबंध किए जाते हैं। दो प्रकार के संबंधी हैं, जैसे भाई, भाई चचेरा भाई भतीजा आदि, ये सब देह के संबंधी, और बहनोई साले, साले मतलब पत्नी के भाई आदि, ये सब संबंध द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सब कुशल से हैं ना, वसुदेव जी सबके साथ कुशल से हैं ना, ये पूछ करके, और सर्वशेष में अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीं गोपान ब्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरे। अपि स्मरति न कृष्ण, हे उद्धव, कृष्ण क्या हम लोगों का कभी स्मरण करता है, हमारी याद करता है? पहले समान रूप से बोले न असमान। कृष्ण क्या हम लोगों की याद करता है? तो फिर अपना नाम नहीं रख करके सबसे पूछ रहे हैं। नंद बाबा का ये भाव है कि कृष्ण के विरह में मैं जी गया, इसलिए कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम तो नहीं, मैं कठोर हृदय का। लेकिन क्या कृष्ण मातरम स्मरति, क्या अपने माँ का यशोदा का स्मरण करता है? हमारा स्मरण न करे ये स्वाभाविक है, दैन्य है, सहज दैन दीनता। लेकिन क्या वो कभी अपने माँ का स्मरण करता है? मातरम सुहृद, और अपने सुहृदों का, अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है? अपने सुहृद का अर्थ है और भी जो संबंधी हैं, क्या उनका स्मरण करता है? सखी, और जिनके साथ वो खेला है, खाया है, गाय चराया है, क्या उन सखाओं का, मित्रों का कभी स्मरण करता है? फिर पूछ रहे हैं गोपान, और गोपों का, अन्य बड़े गोप चाहे सखा आदि से अतिरिक्त और गोप जो हैं उनका स्मरण करता है? क्या कभी अपने ब्रज का स्मरण करता है? चात्मनाथन, जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण ने रक्षा किया है अब तक,
तो वह कृष्ण क्या अपने ब्रज का स्मरण करता है, कभी उसको ये याद आती है, कभी बातचीत करता है कि ब्रज मेरा है और मैं ही रक्षक हूँ, क्या कभी ये बात कहा है? और गाँव जिन गौओं को पोसा है, चराया है, क्या उन गायों का कभी स्मरण करता है? और वृंदावनम वृंदावन का, जिस वन में विविध लीला किया, गौएं चराया, रास विहार किया, खेला, तो क्या उस वृंदावन की कभी याद करता है? सबके अंत में पूछ रहे हैं, जिस पर्वत से वो बहुत प्रेम करता था, जिसको उसने अपने कर कमल पर उठाया था, तो क्या गोवर्धन की कभी याद करता है? केवल स्मरण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, हर एक एक वस्तु का नाम लेकर के। मातरम सुहृदः सखीन गोपान ब्रजम आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम, गिरिम का अर्थ है गोवर्धन पर्वत। तो क्या कभी स्मरण करता है? वैसे नह शब्द जो उसने उन्होंने कहा असमान, तो उसमें अपने आप को भी सम्मिलित कर ही लिए, लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण के स्मृति का विषय नहीं बन सकता, मैं तो कृष्ण की कोई सेवा नहीं किया, बल्कि कृष्ण से सेवा कराया, उसको गाय चराने के लिए भेजता था, जसोदा ने तो बहुत सेवा किया, प्रेम किया कृष्ण से, तो जसोदा की, सुहृदों की, सखाओं की, गोपों की और आत्मनाथ ब्रज की, गौओं की, वृंदावन की और गिरिराज की, क्या उसे स्मृति आती है? कभी वार्ता में नाम बोलता है, चलाता है? मतलब कृष्ण के बिना ये सब सुने हो गए, इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण की मानसिक स्थिति का वर्णन पूछ रहे हैं, क्या हम लोगों की कभी याद करता है? याद करने का मतलब है कि कभी यहाँ आने की चर्चा करता है कि आएगा मथुरा से? फिर कह रहे हैं यदि कृष्ण कभी आएगा, अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितु, अपने जनों को अपने
अपने माँ को, अपने सखाओं को और वृंदावन के पशुओं पक्षियों को देखने कभी आएगा, सकल इच्छतुं यदि आयास्यति, यदि देखने के लिए आएगा तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्यामि तद् वक्त्रं सुनसं सुस्मितक्षणम्। सकृत का अर्थ होता है एक बार। यदि एक बार कृष्ण आ जाएगा ब्रज में, कभी आएगा, क्यों आएगा, अगर ये पूछा जाए, नंद बाबा से कहते हैं स्वजनान इच्छितुं, स्वजनों का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कभी वृंदावन में आएगा, तरही उस समय जब आएगा तो उस समय तब वक्त्रम उसका मुख मैं देखूंगा। कैसा मुख है सुन सब। कृष्ण की नासिका बहुत सुंदर है, उसकी नाक बहुत सुंदर है और ऐसी सुंदर नाक से युक्त मुख है सुस्मित क्षण, और जिसका मुख सब समय परम सुंदर स्मित से मुस्कान से युक्त रहता है, तथा जिस मुख में आँखें बड़ी सुंदर हैं, बहुत सुंदर देखता है, बहुत सुंदर मुस्कुराता है, ऐसे मुस्कुराहट से और कृपा भरे चित्रण से युक्त मुख को मैं उसी समय देखूंगा अगर आएगा तो। जब देखने की इतनी उत्कंठा है तो बाबा से पूछा जा सकता है कि आप ही मथुरा क्यों नहीं चले जाते हैं, वहीं से देख कर आ जाइएगा। यदि शब्द लगा करके नंद बाबा कहते हैं कि हमको विश्वास है वो आएगा, और जब उसने कहा है कि बाबा मैं आऊंगा अपने स्वजनों को, मतलब वसुदेव देव की आदि को सुखी करके और मैं आऊंगा, भगवान ने कहा था कंस का वध करने के बाद नंद बाबा से एकांत में मिले थे और कहे थे कि मैं आऊंगा। उद्धव मुझे विश्वास है कृष्ण अवश्य आएगा। इसी कारण से मैं जी रहा हूं और मैं कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता। जब वो कहाँ है आने के लिए तो आएगा, और यही आने पर मैं उसका मुख देखूंगा। कैसे जानते हैं कि कृष्ण आएगा? नंद बाबा कृष्ण के पूर्व में की गई लीलाओं की याद करते हैं, हम ब्रजवासियों पर जब जब विपत्ति आ रही कृष्ण हमारे रक्षा किया, इस कारण से हम विश्वास करते हैं कि वह उन्हीं लीलाओं की याद करते हैं।
दावाग्नेर्बात वर्षा च वृष सर्प च रक्षिता दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। दवाग्नि, दवाग्नि से इस वृंदावन में दो बार आग लगी थी, वन में आग लगी थी भयंकर उससे, और बात वर्षा च और बहुत जोर का तूफान आया था और वर्षा हो रही थी। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके हनुमान की रक्षा की। वृष सर्प अरिष्टासुर से, वत्सासुर से, अरिष्टासुर से और सर्पाच काली जैसे भयंकर सर्प से हम लोगों को उसने बचाया। रक्षिता है दुरत्यभ्य मृत्यु भय दुस्तरणीय मृत्यु से, ऐसी ऐसी मृत्युएं आई जो संकट थे उनको नंद बाबा मृत्यु कह रहे हैं। यदि कृष्ण नहीं होता यहाँ तो हमारी मृत्यु हो गई होती सभी ब्रजवासियों की, जिसको टालना बड़ा कठिन था, दुरत्य था, ऐसे संकटों से कृष्ण ने हमारी रक्षा की। कृष्णे न, कृष्ण से हमारी रक्षा हुई और कृष्ण को कहने सुमहात्मा, कृष्ण सुमहात्मा है, महान मन है, महान हृदय है कृष्ण का। यहाँ अर्थ है परम कृपालु, परम दयावान, हमारे दुख को जब उसने देखा। और विशेषकर अपने विषय में कह रहे हैं, सर्पाच सर्प से दो बार रक्षा किए, कालिये से और एक सर्प जो अंबिकापुर में पकड़ लिया था नारद जी को अजगर, उसने तो नंद बाबा को निगल लिया था और इतना तक शरीर चला गया था सर्प के भीतर, लेकिन कृष्ण आए अपने चरण कमल से सर्प को छू दिए तो तत्काल मुक्त हो गया और नंद बाबा को छोड़ दिया। तो उसकी याद कर रहे हैं सर्पाचर अक्षिता सुमहात्मा, श्री कृष्ण सुष्ठु महात्मा है। महान आत्मा उसी का है जिसके हृदय में दया हो, कृपा हो। सुमहात्मा परम कृपालु, श्री कृष्ण के द्वारा हम सबकी रक्षा हुई। स्मरतान कृष्ण वीर जाली लीला पांग निरीक्षिता निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। उद्धव जी से बात हो रही है, शाम के समय रात्रि के समय वे भोजन करके लेटे और नंद बाबा उनसे वसुदेव जी का कृष्ण का समाचार पूछ रहे हैं। और कृष्ण के समाचार में मुख्य बात यही कहते हैं, यदि वो ब्रज में आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। और उद्धव अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है कि मैं जी पाऊंगा कृष्ण के बिना, लेकिन यही लालसा है कि मैं उसका मुख देख करके ही मरूं, तो इसलिए यही अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मेरा जीवन संभव नहीं है क्योंकि बहुत दिन से अन्न छूट गया है, पानी पीना भी छूट गया है, केवल कृष्ण का स्मरण करने से। स्मरताम कृष्ण वीर जाने लीला पांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वा न शिथिला क्रिया। जब हम कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हैं, हमसे तत्पर थे सबके लिए, सभी यशोदा और सब लोग, जब कृष्ण का कृष्ण की लीला का हम स्मरण करते हैं, क्या क्या लीला पा